आज हम करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्फाज मायने लिखना स्टार्ट करें। तकब्बुर, गुरूर, हर धर्मी, ज़िद्दीपन, बर्बाद करना, तबाह करना, बरगजीदा, परहेजगार, पशेमा होना, शर्मिंदा होना, राय दादा नेकी का रास्ता पैरवी करना, हमल करना, ठिकाना जगह इसरार, बात को बार बार दोहराना, पुलवेश इंसानों के बाद बहकाना, गुमराह करना, बासी होना, रिहायशी रहने वाला, सुख सुकून, पूरे से कत्लो गारत, फेल काम या अमल। इसके अलावा करेंगे हम इसके खाली जगह पुर करें। जिन्नात को अल्लाह ताला ने डैश से पैदा फरमाया, आग से। हज़रत आदम को सबसे पहले डैश हम सिखाया, सबसे पहले डैश सिखाया, हम सिखाया। सब फरिश्तों ने डैश को सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को डैश से पैदा फरमाया मिट्टी से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डैश ने सजदा करने से इनकार किया इब्लीस ने। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को डैश पर बर्तरी अता की फरिश्तों पर। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और बीबी हवा को डैश से निकाल दिया जन्नत से। नेक लोगों का ठिकाना डैश है जन्नत। हज़रत आदम को डैश कहा जाता है अबुल बशर। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और बीबी हवा को दरख्त का खास फल खाने से मना किया था। किस डैश का मना किया था? दरख्त का फल खाने से। इसके अलावा करेंगे अल्फाज जुमले, हुकूमत, खैरियत, इबादत, मट्टी, जन्नत, हज, ठिकाना, किट्स। ये आपने अपनी हॉलीडे होमवर्क के ऊपर ही करना है। इसके अलावा गलत दुरुस्त ये आपने नहीं करना है, बस उसको याद करना है। इसके अलावा है अल्फाज के इम्तिज़ाज़, जन्नत, दोज़ख़, तकब्बुर, गरूर, तकब्बुर, आजिज़ी, ज़िंदगी, मौत, ज़िंदगी, मौत, इसरार, इनकार, नंबर फोर, सुख, चैन। यहाँ पे गलत लिखे हैं, इसको आप सही कर लें। इसके अलावा करेंगे क्वेश्चन आंसर। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, हम तेरी बात करते हैं, तू ऐसा इंसान पैदा करना चाहते दुनिया में फितना और फसाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से क्यों इनकार किया? इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार इसलिए किया क्योंकि इसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मुझे आग से पैदा किया और हज़रत आदम को मिट्टी से। इब्लीस ने हज़रत आदम और बीबी हवा को किस चीज़ के लिए बहकाया? इब्लीस ने हज़रत आदम और बीबी हवा को जन्नत के एक दरख्त का ख़ास फल खाने के लिए बहकाया जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को किस चीज़ से पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा, मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया था। हज़रत आदम को किस लकब से पुकारा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंसान है इसको अबुल बशर के लकब से पुकारा जाता है, यानी इंसानों के बाद। खाना काबा की बुनियाद किसने रखी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत आदम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियाद रखी, जहाँ हज़ारों साल मुसलमान हज अदा करते हैं। किड्स आपने